हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल आजाद हाई स्कूल। आजाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7, दैट इज फ्रैक्शन के बारे में। कल हमने किया था एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज की वीडियो है हमारी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 टू 12। नेचुरल नंबर्स हमने लिखने हैं 2 से लेके 12 तक, 2 से लेके 12 तक। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, और फिर ये फाइंड आउट करना है कि उनमें से, उन नेचुरल नंबर में से जो कहां से कहां तक है, 2 से लेके 12 तक जो नेचुरल नंबर्स हैं, उनमें प्राइम नंबर्स की जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से लेके कंटिन्यू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 आगे कंटिन्यू इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो देखिए क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12 आर कौन कौन से हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। क्योंकि 2 से पूछा था तो 2 भी इंक्लूड होगा और 12 तक पूछा था तो 12 भी जो है वो इंक्लूड होगा, और उसके बीच के जितने नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे हमारे कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। अब हमने फ्रैक्शन जो निकालनी है वो प्राइम नंबर्स की फ्रैक्शन निकालनी है। अब इन नंबर्स में से हमने देखना है कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका फैक्टर 1 1 होता है और वो खुद एक नंबर होता है, यानी कि जिनके फैक्टर्स जो हैं वो सिर्फ 2 होते हैं, 1 1 और 1 वो खुद नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर्स इसमें कौन से आएंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। 2 से लेके 12 तक जो प्राइम नंबर्स है वो कौन कौन से होंगे, 2 इज द प्राइम नंबर क्योंकि 2 का जो फैक्टर होता है वो 1 और 2 अकेला होता है, ठीक है। 3 इज ऑल्सो ए प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर। 5 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। 7 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स आ गए। तो प्राइम नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो प्राइम नंबर है, और टोटल नेचुरल नंबर्स कितने हैं 2 से लेकर 12 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो है वो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमने फ्रैक्शन निकालनी है प्राइम नंबर्स की, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 5, और टोटल नंबर्स कितने हैं, यानी कि टोटल नेचुरल नंबर्स कितने हैं, 11 काउंट किए हमने ऊपर, 11 थे, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 टोटल नंबर जो नेचुरल नंबर्स का है वो कितना है, 11 है, और प्राइम नंबर का जो नंबर है वो कितना है, 5 है। अब हमने फ्रैक्शन किसकी निकालनी है, प्राइम नंबर की निकालनी है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमने प्राइम नंबर्स क्या आ जाएंगे, यहां पे प्राइम नंबर्स न्यूमरेटर में एंड टोटल नंबर्स डिनोमिनेटर में, टोटल नंबर्स ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो प्राइम नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 5, और टोटल नंबर्स कितने हैं, 11। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी प्राइम नंबर्स की, 5/11। ये था क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। नेचुरल नंबर्स हमने लिखने हैं 102 से लेके 113 तक, और फिर व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो पहले हम नेचुरल नंबर लिख लेंगे फ्रॉम 102 टू 113 तक। तो क्या आएगा, सेम नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 टू 113 आर कौन कौन से आ जाएंगे, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 and 113। ये आगे हमारे नेचुरल नंबर्स। तो टोटल नेचुरल नंबर्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पे टोटल नंबर्स लिख लेंगे यहीं पे हम,
टोटल नंबर्स इक्वल टू, अब इनको काउंट कर लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर्स कितने हैं 12 हैं। अब इसमें से हमने फाइंड आउट करना है कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, तो देखिए क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। प्राइम नंबर मैंने क्या बताया, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर जो है वो एक वन होता है और खुद वो एक नंबर होता है। तो देखिए 102 से लेके 113 तक जो प्राइम नंबर्स आएंगे वो हमारे कौन कौन से होंगे, 103 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 107 प्राइम नंबर है, 109 भी प्राइम नंबर है, एंड 113 भी जो है वो प्राइम नंबर है, बाकी प्राइम नंबर्स नहीं है क्योंकि बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो दो से ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये 103, 107, 109, 113 के जो फैक्टर हैं वो सिर्फ दो ही आते हैं। किस तरह से, जैसे 103 के अगर फैक्टर निकालने हो तो क्या आ जाएगा 1 into 103, इसके अलावा कोई और भी फैक्टर नहीं आता, मीन्स 103 जो है वो और किसी के साथ डिवाइड नहीं होता है, तो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर आते हैं 1 और 103। उसी तरह 107, 109 एंड 113, 113 के भी दो ही फैक्टर होते हैं। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, तो हम यहां पे पहले लिख लेंगे टोटल प्राइम नंबर्स इक्वल टू कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ जाएगी हमारी, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू प्राइम नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। न्यूमिरेटर में प्राइम नंबर आएंगे कितने हैं 4 और टोटल नंबर्स कितने हैं 12। इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, 4 1 4 4 3 12 = 1/3, तो फ्रैक्शन क्या आएगी प्राइम नंबर्स की बिटवीन 102 to 113 तक 1/3, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, What fraction of these circles have x's in them? क्या फ्रैक्शन है सर्कल्स की एक्सिस में इनके बीच में। नीचे आपको सर्कल दिए गए हैं, जैसे ये देखिए फर्स्ट पार्ट जो दिया है, ए पार्ट मैं सॉल्व करता हूं पहले, ये सर्कल दिया है और इसके अंदर इस तरह से एक्स बनाया गया है, फिर दूसरा सर्कल दिया है उसके अंदर भी एक्स बनाया गया है, ये बुक के ऊपर देखिए, तीसरा सर्कल इसमें कुछ नहीं है, फोर्थ सर्कल इसमें भी कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे एक और सर्कल है, नीचे तीन सर्कल और हैं उनके अंदर x बनाया गया है, ये x और ये x। हमने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव x इन देम, इन टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स में जो x होगा उसकी हमने फ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स पहले हमें फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितना है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं 8 हैं। अब दूसरा क्या आ जाएगा, टोटल सर्कल्स हैव x इन देम, वो सर्कल कितने हैं जिनके अंदर x बना हुआ है, तो वो कितने हैं 1 2 3 4 5 हैं, तो इक्वल टू 5, तो therefore required fraction क्या बन जाएगी हमारी, required fraction क्या आ जाएगी, हमने किसकी निकालनी है, एक्सेस इन them, जिनके अंदर एक्सेस है, तो जिसकी फ्रैक्शन हमने निकालनी होती है वो हमेशा न्यूमिरेटर में रहता है, तो न्यूमिरेटर में जो हमने एक्सेस की वो सर्कल की फ्रैक्शन निकालनी है जिसके अंदर एक्स है, तो वो कितने हैं 5 हैं, वो न्यूमिरेटर में आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं 8 हैं, तो 5/8 इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। इसी तरह से बी पार्ट है, बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में किस तरह से सर्कल दिए हैं, एक सर्कल ये है, 2 3 4 सर्कल ऊपर है और चार ही सर्कल नीचे दिए गए हैं, 2 3 4। अब एक्स किस किस के अंदर है, सेकेंड वाले में एक्स बनाया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे x बनाया गया है और इस वाले सर्कल में x बनाया गया है, तो क्या आएगा इसमें सेम उसी तरह से, यहाँ पे मैं आपका सीधा सॉल्यूशन इसका जो है वो आपको बता देता हूँ, हमने जिनके अंदर x बना हुआ है उसकी फ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो कितने हैं जिनके अंदर x बना हुआ है, 1 2 3, तो वो जो 3 है वो न्यूमिरेटर में आएगा, और टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3/8 इज द आंसर। उसी तरह से सी पार्ट देखिए, सी पार्ट क्या दिया है, 1 2 3 सर्कल्स ऊपर लिख दिए गए हैं और तीन ही सर्कल जो है वो नीचे दिए गए हैं और उनके अंदर x दिया गया है। अब इसका सॉल्यूशन किस तरह से आएगा, हमने x वाले सर्कल्स की फ्रैक्शन निकालनी है, तो
टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं जिनके अंदर एक्स बना हुआ है, 1, 2, 3 है, तो 3 जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 3, 6, तो 3/6 ये फर्दर डिवाइड हो जाता है, 3 1 3, 3 2 6, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी इसकी, 1/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही ईजी था ये भी। कोशिश है सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, ये क्वेश्चंस आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, मीन्स आपको ये इस तरह से लर्न हो जाएंगे, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आप मिनटों के अंदर इनको सॉल्व कर लेंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस जो है वो बार बार इसकी आप प्रैक्टिस करते हैं, इस वीडियोस को आप बार बार देखते हैं, अगर आपको एक बार समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार देखिए, सो दैट आपके माइंड में ये जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से फिट हो जाए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, दिनेश, सुमित, राम, जॉय, मार्शल, इमरान, जयंत, बाबू, कबीर एंड रोहन डिसाइड टू प्ले बास्केटबॉल। ये सभी लड़के जो हैं, इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये बास्केटबॉल खेलेंगे। द फर्स्ट 5 बॉयज, जो पहले 5 लड़के हैं कौन कौन से, दिनेश, सुमित, राम, जॉय, मार्शल, कितनी होगी ये 5, दिनेश, सुमित, राम, जॉय, मार्शल, इन्होंने क्या डिसाइड किया, द फर्स्ट 5 बॉयज आर इन फर्स्ट टीम, ये जो है एक टीम के अंदर है, मींस दिनेश से लेके, मैं यहां पे लिख देता हूं, नंबर ऑफ बॉयज इन फर्स्ट टीम, जो फर्स्ट टीम में बॉयज हैं वो कितने हैं, फर्स्ट 5 बॉयज कौन कौन से हैं, दिनेश, सुमित, राम, जॉय एंड मार्शल, ये बॉयज जो हैं वो फर्स्ट टीम के हैं, एंड रेस्ट आर इन द सेकेंड टीम, और जो बाकी बच जाते हैं वो सारे के सारे कौन सी टीम में है, सेकेंड टीम में है। तो यहां पे हम यहां पे लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन फर्स्ट टीम, फर्स्ट टीम में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बॉयज है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द फर्स्ट टीम कितने हैं, 5 है। आगे क्या दिया है, रेस्ट आर इन द सेकंड टीम, और जो बाकी बच गए हैं दैट इज इमरान, जयंत, बाबू, कबीर एंड रोहन जो है वो सेकंड टीम में है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉयज इज इन द फर्स्ट टीम, फर्स्ट टीम की हमने फ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी है, आपने ये चीज को ध्यान में रखना है कि कौन से टीम की जो फ्रैक्शन जो है वो पूछी गई है, तो यहाँ पे फर्स्ट टीम की फ्रैक्शन जो है वो आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं फर्स्ट टीम में, 5 हैं। अब इसी तरह से निकाल लेंगे नंबर ऑफ बॉयज इन सेकेंड टीम, सेकेंड टीम में बॉयज कितने हैं, कौन कौन से हैं, इमरान, जयंत, बाबू, कबीर एंड रोहन, ये लड़के जो हैं वो सेकेंड टीम में हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या आ जाएगा इसका, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन सेकेंड टीम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पे भी 5 ही प्लेयर हैं। अब आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन या फिर प्लेइंग बास्केटबॉल, टोटल लड़के कितने हैं जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, फर्स्ट टीम में 5 हैं और सेकंड टीम में 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, 10 है, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉयज इज इन द फर्स्ट टीम, फर्स्ट टीम की फ्रैक्शन जो है वो हमने निकालनी है, तो देयरफॉर यहां पे लिख लेंगे फ्रैक्शन ऑफ बॉयज इन फर्स्ट टीम, देखिए जिसकी हमने फ्रैक्शन निकालनी होती है वो हमेशा न्यूमरेटर में रहता है, तो फर्स्ट टीम में कितने बॉयज थे, 5, और डिवाइड करना है किसके साथ, टोटल के साथ, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं जो कितने हैं बास्केटबॉल खेल रहे हैं वो कितने हैं, 10 है, तो 5/10, 5 1 5, 5 2 10, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी इसकी, 1/2 इज द आंसर। सिंपल था ये भी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें दोनों की आपने पहले लिख लेना है कि फर्स्ट टीम में कितने प्लेयर्स हैं, सेकंड टीम में कितने प्लेयर्स हैं, और टोटल उनका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टीम के प्लेयर्स और सेकंड टीम के प्लेयर्स को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं वो कितने हैं, 10 है। अब हमने फ्रैक्शन निकालनी है उन लड़कों की जो फर्स्ट टीम के अंदर है, तो फर्स्ट टीम में कितने बॉयज थे, 5, उनको उसको डिवाइड कर देना है अपने 10 के साथ, तो डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 10 रहेगा, तो फर्दर उसको डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी, 1/2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, क्रिस्टीन रिसीव्ड ए सीडी प्लेयर
फॉर हर बर्थडे। क्रिस्टिन ने को एक सीडी प्लेयर मिला अपने बर्थडे पे। शी बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 others एज गिफ्ट। उसने 3 CDs खरीदी और 5 उसको गिफ्ट में मिली। ठीक है, तो 3 CD जो है वो उसने खुद से खरीदी, लेकिन 5 CDs जो थी वो उसको गिफ्ट में मिले उसके बर्थडे पे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट। हमने दोनों CDs की फ्रैक्शन जो है वो निकालनी है, जो उसने खरीदी और जो उसको रिसीव हुई एज अ गिफ्ट के तौर पे। तो देखिए सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे हम। पहले हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ CDs शी हैव। टोटल नंबर ऑफ CDs कितनी होंगी उसके पास, जो उसके पास हैं, 3 तो उसको मिली एज उसने खरीदी, 3 तो उसने CD खरीदी, प्लस जो उसको गिफ्ट में मिली वो कितनी है, 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ CDs उसके पास कितनी हो जाएंगी, 5 and 3, 8। अब हमने निकालना क्या, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ टोटल CDs डिड शी बाय। तो नंबर ऑफ CDs शी बाय, जो उसने खरीदी, कितनी खरीदी थी, शी बॉट 3 CDs, तो जो उसने खरीदी वो 3 थी, और नंबर ऑफ CDs शी हैव एज गिफ्ट, जो उसको गिफ्ट के तौर पे मिली थी वो कितनी थी, रिसीव्ड 5 others एज गिफ्ट, तो 5 उसको गिफ्ट के तौर पे मिली। अब हमने फ्रैक्शन निकालना है, टोटल CDs डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ CDs शी बाय, जो उसने खरीदी, तो कितनी खरीदी थी उसने, 3, तो 3 और टोटल कितना है हमारा, 8, तो 3/8 फ्रैक्शन आ जाएगी। एंड सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया है, फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट। अब जो गिफ्ट है उसकी फ्रैक्शन निकालनी है, तो फ्रैक्शन ऑफ CDs शी रिसीव्ड एज गिफ्ट, वो कितना आ जाएगा, गिफ्ट में उसको कितनी मिली थी, 5, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ CDs कितनी है, 8, तो 5/8 इज द आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 3/8, और सेकेंड पार्ट जो वहां पर पूछा गया है वो कितना आएगा, 5/8। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 12 तक। तो अगर इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी आपके मन में डाउट हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए। आपके जो डाउट्स हैं वो हम कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।